नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जो स्टॉक्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं अभी, वो हो सकता है कल की गिरावट में और ज़्यादा गिरते हुए दिखें आपको, लेकिन सिंपल सी स्ट्रेटजी है यार, जब तक आप गिरावट में खरीदना नहीं सीखोगे तब तक आप बड़ा पैसा कभी नहीं बना पाओगे। स्टॉक मार्केट में हमेशा बड़ा पैसा वही बना पाया है जिसने गिरावट में खरीदना सीख लिया। देखिए, विजय केडिया जी कहते हैं कि ये जो मार्केट है उसको उन्होंने एक साइकिल में कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करी कि जो वीक मार्केट होती है, कमजोर बाजार होता है, वो पैदा करता है स्ट्रॉन्ग निवेशक यानी मजबूत निवेशक, और उस कमजोर बाजार में आते हैं मजबूत निवेशक और उस कमजोर बाजार को वापस से मजबूत करते हैं, और उस मजबूत बाजार में यानी स्ट्रॉन्ग मार्केट में आते हैं कमजोर निवेशक जो उस बाजार को कमजोर करके दोबारा से नीचे जाते हैं। इस तरीके से ये साइकिल चलती है। वो कहना क्या चाहते हैं? वो कहना ये चाहते हैं कि गिरावट में जो खरीद रहा है वो जल्दी पैसा बना रहा है और बड़ा पैसा बना रहा है। उनके इंटरव्यू में मैंने ये भी सुना था कि उनके मैक्सिमम स्टॉक्स जो मल्टीवैगर मीन्स एक ही साल में 4-5 गुना हो गए, वो हमेशा गिरावट में हुए। आप सभी ने भी देखा होगा कि जब मार्केट करेक्ट हो जाए, क्रैश हो जाए, गिर जाए। क्रैश देखिए एक दिन का वर्ड है, एक दिन में अगर 1000 पॉइंट 500 पॉइंट गिर, क्रैश हो गई जी, स्टॉक कितना गिर जाएगा यार, 5% 10%, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता ना। पैनी स्टॉक है या फिर बिल्कुल स्मॉल है, 20% का सर्किट लग जाएगा, इससे ज़्यादा क्या, वो खत्म हो गया नहीं। क्रैश एक दिन का वर्ड है, लेकिन मार्केट गिर जाए, अब हम देख रहे हैं कि अगर एक महीने तक कंटिन्यू गिरावट चले उसे कहते हैं मार्केट क्रैश, यानी रोज ही गिर रही है यार वो। और एक दिन में सिंगल डे क्रैश, हालांकि देखने में डर लगता है, बट ठीक है चला गया यार। किसी सिंगल डे की क्रैश तो किसी भी रीजन से हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग के रीजन से भी मार्केट सिंगल डे का क्रैश हो सकती है, लेकिन एक बड़ा रीजन जो बाजार को लंबे समय के लिए गिरा दे, और वो गिरावट में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 100 रुपए वाले 20 रुपए पे आ जाते हैं, वो 20 वाले दोबारा से 100 होने की दम रखते हैं, वो होता है पैसा बनाने का मौका। अब आपके ऊपर है, क्या आप ऐसे शेयर्स खरीद पाओगे? अभी उस हिसाब की मार्केट क्रैश नहीं हुई है कि 100 रुपए वाले शेयर्स की बात करूं मैं, इसीलिए मैं आपके साथ मजबूत काउंटर्स के बारे में आज की वीडियो है, और 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं खरीदने की सोचनी चाहिए मेरे हिसाब से हर गिरावट में। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करता हूं आप सभी के साथ। सबसे पहले होगा IT स्टॉक से इंफोसिस। दोस्तों, यहाँ पे ADR लगभग 3% डाउन दिख रहा है, स्टॉक का प्राइस भी काफी करेक्टेड है। चाहे आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, चाहे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें, आप इसकी डिविडेंड यील्ड देखें, आप इसका मैनेजमेंट देखें, आप इसकी परफॉर्मेंस देखें, आप इसका कुछ भी देख लीजिए, सब कुछ शानदार मिलेगा आपको, ठीक है। और जो लोग इसके रिटर्न देख के कह रहे हैं रिटर्न नहीं आए, तो वो भी 2 साल के रिटर्न देख लें, 1 साल के छोड़ दें, 5 साल के देख लें, 10 साल के देख लें, 20 साल के देख लें, लाइफ टाइम देख लें, बड़ा पैसा बनाए, ठीक है। ये स्टॉक मेरे हिसाब से आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। 2 तरीके से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। पहला, SIP के थ्रू। सोच लीजिए हर महीने मुझे 2 शेयर खरीदने हैं मात्र, 2 से 3 शेयर, या फिर लमसम डाल के वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप मान लीजिए 1 लाख लगाना चाहते हैं तो 50,000 लगा दीजिए, 20,000 और नीचे आए तो और नीचे लगाइए, या फिर ऊपर आए कोई लेवल टूटे तब लगाइए। लंबे समय के लिए खेल रहे हो तो जिंदगी भर पैसा बनाना है तो खरीद लो, ठीक है। इन्फोसिस होगा मेरी तरफ से फर्स्ट पिक। सेकेंड पिक की तरफ चलते हैं। एंड दोस्तों, ये होगा एक मार्केट से रिलेटेड मोनोपोली काउंटर, CDSL यानी सेंट्रल डेपोजिटरी लिमिटेड लिमिटेड। इस स्टॉक की कहीं ना कहीं फेस वैल्यू जो है वो 106 प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 106 रुपीज की है। स्टॉक लगभग 1200 रुपए पे ट्रेड करता है, यानी 12 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पे आपको मिलता है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है। बाकी इस स्टॉक में जब तक मार्केट है तब तक लोग आएंगे, निवेश करेंगे, डिपॉजिट होंगे शेयर्स, एंड इस स्टॉक का कहीं ना कहीं हमेशा मार्केट बढ़ेगा। जब मार्केट तेज होगी, कमजोर निवेशक आएंगे, अकाउंट भी खुलेंगे, बहुत सारे शेयर को फायदा होगा। तो ये मेरी तरफ से सेकंड काउंटर हो सकता है। थर्ड काउंटर की तरफ से बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मार्केट से रिलेटेड हर एक न्यूज आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप स्टॉक का एंड पेटीएम मनी का, वहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं, फार्मा काउंटर, एक मल्टीबैगर। फार्मा में वैसे मुझे 2 स्टॉक्स पसंद है, बट मैं अभी दूसरे के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी हाई पे ही चल रहा है। पहला स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक का नाम है डीवीज लैब। काफी अच्छी करेक्शन में मिल रहा है, मेरे पास
कमेंट्स भी आते हैं इस स्टॉक को लेकर, एंड मैंने वीडियो भी काफी सारी बनाई। मैं आपसे कह रहा हूं बेचना नहीं है, बिल्कुल नहीं बेचना है, खरीदना है, एवरेज करना है, और जब तक खरीद सकते हैं खरीदिए, यानी जितना एवरेज कर सकते हैं करिए। ये स्टॉक एक शानदार कंपनी है, वर्ल्ड वाइड मार्केट लीडर है, एपीआई कंपनी है, एंड लगभग 95 कंट्रीज में इसका कहीं ना कहीं मार्केट में इसका कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन शिप है, तो बहुत तगड़ा कहीं ना कहीं हिसाब किताब है, तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। फोर्थ स्टॉक की तरफ चलते हैं, एंड यहाँ मैंने आप सभी के लिए जो शेयर चुना है वो बैंकिंग से है, और बैंकिंग में आप ICICI बैंक पिक कर सकते हैं, या कोटक या HDFC, ये तीन प्राइवेट में मेरी फेवरेट है। एंड अभी आप मुझसे पूछो पर्सनली अभी कौन सी पसंद आ रही है, तो प्राइस के हिसाब से एंड आउटलुक के हिसाब से कोटक ज़्यादा अच्छी लगती है, एंड HDFC बैंक मुझे लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पसंद है, एंड शॉर्ट टर्म के लिए अगर थोड़ा करेक्शन में मिलता है तो ICICI बैंक करेक्शन में पसंद आएगी, बाकी अगर अभी पूछे तो कोटक पसंद है। तो ये होगी मेरी तरफ से आपके लिए फोर्थ पिक। अब लास्ट पिक की तरफ चलते हैं, ग्रोथ स्टॉक की तरफ, एंड ग्रोथ स्टॉक में मेरे पास आपके लिए दो स्टॉक है, एक मोनोपोली और एक सिंपली ग्रोथ। स्टॉक का नाम है मोनोपोली वाले का IRCTC, सिंपल का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। दोनों के बारे में मुझे बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, आपको अच्छे से पता ही होगा। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।